कंप्यूटर एजुकेशन की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस कीबोर्ड के बारे में समझते हैं। कंप्यूटर एक आपको बता दें इनपुट डिवाइस कहलाती है, यानी कि जिसके माध्यम से आप अपने डेटा को टाइप करने के बाद कंप्यूटर के अंदर पहुंचाते हैं। इस तरह की डिवाइस को इनपुट डिवाइस कहते हैं। उन्हीं में से एक डिवाइस कंप्यूटर की जो इंपॉर्टेंट डिवाइस कहलाती है वो है कीबोर्ड। कीबोर्ड पे जब कोई आप मैटर टाइप करते हैं तो आपका वो मैटर पहले सीपीयू में जाता है और उसके बाद में डिस्प्ले पे रिजल्ट उसका शो होता है। तो जब भी हम कोई डेटा टाइप करते हैं तो पूरा डेटा हमारा कीबोर्ड के हेल्प से टाइप किया जाता है, जिसे हम इनपुट डिवाइस के अंतर्गत लेते हैं। इसके बारे में समझते हैं। आज के समय में आपको बता दें कंप्यूटर के जो कीबोर्ड होता है वो PS2 पोर्ट, यानी कि इस तरह का पोर्ट होता है जिसकी हेल्प से आप अपने कीबोर्ड को इस तरह से कनेक्ट करके कंप्यूटर में टाइप कर सकते हैं मैटर और डेटा को इन करा सकते हैं कंप्यूटर के अंदर। इसके साथ साथ आज के समय में जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो है USB। इस तरह से कीबोर्ड आते हैं मार्केट में, आप इस पर आप देखेंगे यहाँ पर USB बना हुआ है, ये USB है। इसके साथ साथ एक और टाइप के कीबोर्ड आते हैं जो कहलाते हैं वायरलेस, यानी इनमें वायर नहीं होता है। ये एक डिवाइस की हेल्प से डेटा को ट्रांसफर करते हैं, यानी कि आप जो भी मैटर कीबोर्ड से टाइप करते हैं वो डेटा आपको सीपीयू में जाता है और फिर उसको रियल डिस्प्ले पे शो करता है। तो इस तरह के कीबोर्ड आज के समय में आपको अवेलेबल है, आप भी कीबोर्ड में से परचेज कर सकते हैं। और इस तरह के कीबोर्ड की कोई क्यों ना हो, आप किसी भी कीबोर्ड से अपने डेटा को कंप्यूटर के अंदर टाइप करके पहुंचा सकते हैं। इसके बारे में और ज्यादा जानकारी से जानते हैं इसके एक एक की के बारे में डिटेल से। यहाँ पर हम कीबोर्ड की के बारे में समझते हैं। आपको बता दें यहाँ पर सबसे पहले आया है एस्केप। एस्केप एक ऐसी की है जिसकी हेल्प से हम किसी भी विंडो को कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि अगर आपकी कोई विंडो ओपन हो गई है, जैसे आपने कंट्रोल ओ कीबोर्ड से दबा दिया और वो विंडो ओपन हो जाती है, तो आप उसको कैंसिल करने के लिए कीबोर्ड से एस्केप दबा सकते हैं, या कंट्रोल एस दबा दिया, कंट्रोल एस की विंडो ओपन हो जाए तो एस्केप करने पर वो विंडो कैंसिल हो जाती है। इसके साथ साथ यहाँ देखेंगे एफ लिखा हुआ है इन की पर और फंक्शन ऊपर लिखा है फंक्शन की। आपको बता दें जो कीबोर्ड में सबसे ऊपर एफ लिखा रहता है उनका फुल फॉर्म होता है फंक्शन। ये कीबोर्ड में 12 की होती हैं और हर प्रोग्राम में अलग अलग तरह से वर्क करती हैं, यानी कि हर प्रोग्राम में इनका यूज बदल जाता है। इसके साथ साथ इसमें कुछ स्पेशल की होती हैं जिसकी हेल्प से हम पेज को अप एंड डाउन, होम एंड और रीसेट डिलीट कर सकते हैं, स्क्रॉल भी कर सकते हैं, पेज ब्रेक कर सकते हैं। इसके साथ प्रिंट स्क्रीन भी इसी स्पेशल की के अंतर्गत आता है। इसके साथ साथ इसमें आपको बता दें न्यूमेरिक की भी होती हैं जिसकी हेल्प से हम 0 से लेके 1 से लेके 0 तक के सभी डिजिट टाइप कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये कीबोर्ड में ऊपर भी होते हैं और राइट हैंड साइड में भी होते हैं। इस तरह के आपको बता दें जो राइट हैंड साइड में होता है इसको एक्चुअल में कैलकुलेटर भी बोलते हैं, लेकिन इसकी हेल्प से हम नंबर टाइप कर लेते हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें यहाँ जो नंबर लिखे हुए हैं इन पे कुछ आप मार्क देख पा रहे होंगे, इनका भी यूज आप आसानी से कीबोर्ड में कीबोर्ड की हेल्प से कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें बैक स्पेस होता है, बैक स्पेस की हेल्प से हम किसी भी लिखे हुए टेक्स्ट को कीबोर्ड की हेल्प से क्या कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। यानी कि अगर आपने अपना नाम लिखा है उसमें कोई कैरेक्टर मिस्टेक हो जाए तो उसको मिटाने के लिए हम बैक स्पेस की का ही यूज करते हैं। देन इसके बाद आता है नेक्स्ट, इसमें आते हैं सिंबल्स। आप देखेंगे ये सिंबल्स आ गए हैं, कुछ ये मार्क हैं जिसकी हेल्प से हम अपने डेटा को यानी कि इन मार्क को यूज कर सकते हैं। ये कैसे होते हैं, ये एक्चुअल में शिफ्ट के साथ यूज होते हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें इसमें टैब है, टैब एक की होती है कीबोर्ड में जिसकी हेल्प से हम एक बार में 5 कैरेक्टर का स्पेस देते हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं इसमें हम कह सकते हैं एक सेल से, यानी जैसे आपने एक्सेल खोल रखा है और एक सेल से दूसरे सेल में आपको ट्रांसफर होना है तो टैब की हेल्प से ऐसा कर सकते हैं। देन इसके बाद आता है नेक्स्ट कैप्स लॉक। कैप्स लॉक क्या करता है, कैप्स लॉक एक ऐसी की है जिसकी हेल्प से आप लेटर को कैपिटल या स्मॉल लिख सकते हैं। कैप्स लॉक की को दबाने पर कीबोर्ड में एक लाइट ऑन होती है, वो यहां दिखती है। अगर आपकी कैप्स लॉक की लाइट अगर ऑन होगी तो सारे लेटर कैपिटल आएंगे, अगर आपने कैप्स लॉक दबाया और लाइट कीबोर्ड की ऑफ होती है तो सारे लेटर स्मॉल आते हैं। देन आप देखेंगे यहाँ पे 2 शिफ्ट आ गए हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में शिफ्ट लिखा हुआ है। शिफ्ट का यूज किसी भी तरह के शॉर्टकट के लिए भी किया जाता है, और इसके साथ अगर आपका कैप्स लॉक ऑफ है, अगर आपका कैप्स लॉक ऑफ है और शिफ्ट के साथ कोई की दबाते हैं, यानी शिफ्ट दबाकर अगर आप कोई अल्फाबेटिकल की दबाते हैं तो आपका अक्षर वो कैरेक्टर जो होगा वो कैपिटल आएगा। इसके साथ साथ इसमें आपको बता दें 2 कंट्रोल होते हैं कीबोर्ड में जिसमें CTRL लिखा रहता है, इसमें कंट्रोल पढ़ते हैं, इनका यूज शॉर्टकट के लिए किया जाता है।
ये एक्शन में कंट्रोल एस कंट्रोल ओ इसके लिए करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट की है वो है विंडोज की। विंडोज की लेफ्ट और राइट दोनों साइड होती है। इसकी हेल्प से जब हम स्टार्ट पर क्लिक करना हो तो हम जानते हैं माउस की हेल्प से स्टार्ट पर क्लिक करते हैं या कीबोर्ड से आप विंडोज की दबा दीजिए तभी हमारे सामने स्टार्ट मेनू आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे दो अल्ट भी होते हैं, अल्ट की होती हैं। अल्ट की हेल्प से हम किसी भी प्रोग्राम की ऐप के ऑप्शन पर पहुंच सकते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल रखा है अपने होम इंसर्ट पेज लेआउट और आपको वहां पे पहुंचना है तो आप अल्ट की हेल्प से ऐसा पहुंच सकते हैं। देन इसके बाद आता है राइट की यानी कि जब कंप्यूटर ऑन होता है तो आप अक्सर माउस से रिफ्रेश करते होंगे तो जो लिस्ट आती है अगर आप चाहते हैं वो कीबोर्ड से आए तो कीबोर्ड से आपको लाने के लिए आपके यहाँ पर आप देखेंगे राइट की लिखा है इसीलिए ये राइट माउस का राइट बटन होता है उसी की हेल्प से आप लिस्ट निकालते हैं। लेकिन अगर आप इस की को दबाएंगे तो भी आपकी वो राइट की तरह ही काम करेगा। नेक्स्ट देखते हैं इसमें आता है स्पेस बार। दो अक्षर के बीच में कैरेक्टर के बीच में अगर आपको गैप करना है तो स्पेस बार का यूज करके हम ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं एरो की। इनकी हेल्प से हम इसको अप एंड डाउन या वो करने के लिए इनका यूज किया जा सकता है। अप एंड डाउन लेफ्ट राइट के लिए इसका यूज करते हैं, ये एरो की कहलाती हैं। इसके बाद आते हैं अल्फाबेटिकल की, यानी कि इन्हीं की हेल्प से हम क्या करते हैं मैटर को लिखते हैं और इसमें होते हैं दो इंटर, यानी कि अगर आपने एक लाइन को लिख दिया है दूसरी लाइन में पहुंचना है तो कीबोर्ड से इंटर दबाते ही आपका कर्सर अगली लाइन में पहुंच जाएगा। यहाँ आप देखेंगे इस तरह से कीबोर्ड में हम किसी भी मैटर को टाइप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपको कीबोर्ड के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा जो आपने पूछा हुआ है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे सकूं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।